आज मैं बना रही हूँ पापड़ के पराठे। तो उसके लिए मैंने लिए हैं तले हुए पापड़, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, मिर्ची, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और घी। चलिए शुरू करते हैं पराठा बनाना। आटे को मैंने पहले से ही नमक और घी डाल के बना के रख दिया था। अभी देखिए मैं पापड़ को क्रश कर रही हूँ। देख सकते हैं अभी क्रश हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च, जीरा पाउडर और थोड़ी लाल मिर्च। अब उसको हम मिक्स करेंगे। नमक तो ऑलरेडी पापड़ में होता ही है। अभी देखिए मैं उसको बना रही हूँ। इसको रोटी की तरह बेलना है। पापड़ डाली है उसमें, स्टफिंग पापड़ की कि अभी हम उसको फोल्ड कर रहे हैं। अभी मैं इसको ऐसे कर रही हूँ नाइफ से ताकि पराठा और अच्छा बने। अभी मैं इसको बना रही हूँ घी में। आप चाहे तो बटर में बना सकते हैं, ऑयल में बना सकते हैं। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ, स्लो फ्लेम पे बनाएंगे। अभी रेडी हो गया है पापड़ का पराठा। आप इसे दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं और वैसे भी ये ऐसे भी अच्छा लगता है। देखिए ये रेडी हो चुका है पापड़ का पराठा और मैं इसको सर्व कर रही हूँ होममेड छूंदा, मैंगो छूंदा। मैंने खुद बनाई है, मेरी रेसिपी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।